हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यस्टरडे वी गॉट अ वेरी शॉकिंग न्यूज़। वन ऑफ आवर वेरी फेमस सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड। नाउ व्हाई ही कमिटेड सुसाइड? वेल नोन स्टार, फिनेंशियली वेल एस्टैब्लिश्ड, supportive family, there is a fan following. So what is the reason behind it? We don't know what is the reason, but there is a reason which is known as depression is the reason. In this COVID-19, mainly the lockdown period, for around 3 months we are disconnected physically with our friends, family members. We are connected digitally, like through the phone, through our chattings, so through video calls. In this way we are connected, but physically we are not connected. Another reason, there is a life. We have a daily schedule. We have to follow that schedule. We are going to our workplace, we are coming. There are a lot of work which we are doing every day. Now that was also not happened properly. So these are certain reasons for that. Might be we are alone. Hum akele pad gaye. हमारी एक लाइफ थी, रोज़ काम पे जाना, काम करना और लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना हम लोग को अच्छा लगता था और हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल, हम लोग इतने बिजी हो जाते थे हमारे काम को लेके कि हम खुद को भूल जाते थे। और इस लॉकडाउन पीरियड में हम खुद को अकेला फील किए। हमारे पास कुछ लोग थे जो अपने फैमिली से दूर रहे, कुछ लोग थे जो अपने फ्रेंड्स से दूर रहे, वो घर में अकेले रहते थे। और इसी पीरियड में हम लोग डिप्रेशन में आ गए। मीन्स नॉट एवरीवन, सब लोग नहीं, कुछ लोग जो शायद अपने पर्सनल लाइफ में कुछ रीजंस की वजह से वो किसी को शेयर नहीं कर पाए। ओके, दे कांट शेयर देयर फीलिंग्स टू एनीवन। हमें जब अच्छा नहीं लगता तो हम किसी से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? जो लोग हमें प्यार करते हैं। कौन हमें प्यार करते हैं? हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स। हम सब लोगों के पास एक चीज़ है, वो है हमारे पेरेंट्स। आप कितनी भी गलती करो, आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनेंगे। आप रात को 12 बजे उन्हें कॉल करो, 2 बजे कॉल करो, दे विल बी वरीड अबाउट यू। ओके, वो लोग सोचेंगे अरे क्या हुआ मेरे बेटे को, मेरी बेटी को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। उनसे बात करिए, वो भले ही आपको डांटे, कुछ भी बोले, बट एट द एंड ऑफ द डे दे लव यू। और आपके फ्रेंड्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स, उनसे बात करिए, जो आपसे प्यार करते हैं उनसे बात करिए। सी, वी ऑल आर ब्लेस्ड विथ सर्टन पीपल। मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी लाइफ में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिन्हें मैं कभी भी फ़ोन करूं, दे आर ऑलवेज फॉर मी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं। तीन दिन पहले क्या हुआ, आई वॉज नॉट वेल। Not well means mentally I was not well. Because of certain reasons I was completely depressed. तो वो पूरा दिन वैसे गया, next day भी वैसे गया। और third day मैंने क्या किया, मैं अपनी best friend को call की और उसे सारी बात बताई। उसे बोली ये हुआ है और आई एम, देन शी गिवन मी गुड एडवाइस। ओके, उसके बाद मेरे को अच्छा लगा। आई फेल्ट गुड। इसी तरह आप भी लोगों से बात करिए। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड वी कांट टॉक टू एवरीवन, इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो। हम अपनी पर्सनल बातें सबको बता नहीं सकते और बताना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि हम लोग ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ आपकी फीलिंग्स की कदर कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते. ओके, देर आर हार्डली एनी पीपल हु विल लिसन टू यू. कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे. आप उन्हें सुनाइए अपनी बात जो लोग आपकी बात सुनेंगे. प्रोफेशनली आई एम ए टीचर. ओके, आई एम गिविंग यू वन ऑफ द एग्जाम्पल. इट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट, वॉट हैपन टू हर, शी वॉज क्वाइट डिप्रेस एंड आई नोटिस्ड हर देर समथिंग इज गोइंग ऑन. आई पर्सनली कॉल्ड हर, आई टॉक टू हर, वॉट इज द प्रॉब्लम. शी टोल्ड मी एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन वन आइडिया. प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ और मेरी एक स्टूडेंट है जो काफ़ी टाइम से डिप्रेस थी. तो मैं उससे बात की, मैं उसे पर्सनली बुला के उससे सारी बात की कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, बोलो. तो वो सारी बात बता दी. उसके बाद मैंने उसे एक आइडिया दिया कि तुम्हारी जो जो भी प्रॉब्लम है, जो तुम सोच रही हो, उसे एक पेपर में लिख दो. उस पेपर में लिखने के बाद उसे पढ़ो, जोर से पढ़ो. ओके, जोर से पढ़ो. अगर तुम सबके सामने पढ़ नहीं सकती, रूम को लॉक करो और पढ़ो. उसी उसके बाद उसी पेपर को जला दो. आई टोल्ड हर दैट यू राइट ऑल योर प्रॉब्लम्स इन अ पेपर, ऑन अ पेपर, एंड आफ्टर दैट यू रीड लाउडली ऑल दैट प्रॉब्लम्स एंड बर्न दैट पेपर. अंडरस्टूड? सो शी डन द सेम वर्क एंड द नेक्स्ट डे शी केम विथ अ स्माइल. मैम, आई एम क्वाइट हैप्पी टूडे, आई एम फीलिंग बेटर, थैंक यू फॉर दिस एडवाइस. सो ये तो एक स्टूडेंट की बात थी जो रियल लाइफ में जो हुआ इंसिडेंट में बता रही हूँ. हम सबके साथ होता है, इट्स अ वेरी कॉमन. लाइफ इज लाइक कभी खुशी कभी गम. कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं. प्रॉब्लम्स दे आर रिलेटेड विथ लाइफ. प्रॉब्लम्स वो कभी पीछे नहीं जाएंगे, वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी. अब ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उस फेज में कैसे खुद को संभालना है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी दुनिया में जो डिप्रेस हैं. मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ कि आप बात करो, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, आप उनसे बात करो जो आपसे प्यार करते हैं. टॉक टू समवन, योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स, दोज हु लव यू विदाउट एनी रीज़न. उनसे बात करिए. जब हम किसी से बात करते हैं, हम बहुत ही बेटर फील करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई है हमारे पास जो हमारी बात सुन रहा है. जब हम किसी से बात करते हैं, उसका सल्यूशन भी मिल जाता है. खुद को बंद करके, खुद को लॉकडाउन मत करिए. खुद को लॉकडाउन नहीं करना है, बात करना है. एंड आई एम सजेस्टिंग एवरीवन, काइंडली लिसन टू समवन. इफ समवन इज शेयरिंग हिज और हर प्रॉब्लम, ट्राई टू लिसन एंड गिव गुड एडवाइस टू दैट पर्सन. इफ यू कांट गिव एडवाइस, एटलीस्ट लिसन टू दैट पर्सन. यू डोंट नो, माइट बी व्हाट इज हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ. I will come with second part of this video where I will talk about depression with some of my personal examples I will give. So for today, thank you all. If you like the video, kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you. Stay happy. Talk to your loved ones. And thank you so much for watching this video. Share this video. Might be someone, this video will help to someone else. Thank you so much. And my subscriber, on all my loved ones, I am there for you, always there. Anytime you can call me,
You can talk to me. I'm there for you always. Thank you so much.